स्थानीय सरकार ने प्रदेश में आदर्श गांवों की स्थापना के संकल्प को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। सरकार खुद गांव गांव पहुंचेगी और गांव के विकास के लिए मंत्रिमंडल की बैठक गांव में भी होगी। हर गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए एक पर्यावरण मित्र की तैनाती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के साथ साथ गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रदेश के 7,700 गांवों में एक एक पर्यावरण मित्र की तैनाती भी होगी, ऐसी जानकारी है। अब चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठिया हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत जी, गांवों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितना कारगर वो आपको लगता है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? दीपा, देखिए, जैसा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण भारत को, ग्रामीण परिवेश को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये कैबिनेट बैठक ग्रामीण अंचलों में, गांवों में और कस्बों में जाकर करने की जो बात कही है, ये वाकई प्रशंसनीय कदम है। लेकिन इसका एक आउटपुट जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब कोई घोषणा होती है तो घोषणा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गाँव एक नहीं है। एक गाँव में जाएंगे, दूसरे गाँव में जाएंगे, तीसरे गाँव में जाएंगे, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा? क्या वो केवल ग्रामीण अंचल को मोटिवेशन करना चाहती है, लोगों को वापस गाँव की तरफ माइग्रेट करना चाहती है? तो ये एक बहुत सारी बातें। एक दूसरा, इस मुख्यमंत्री के इस फैसले से एक ये मैसेज जा रहा है कि सरकार पब्लिक कनेक्ट चाहती है। यानी शहर में तो सरकार बैठी है, शहर में अफसर बैठे हैं, शहर में तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं और आसानी से सारी चीज़ें सुलभ उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन सरकार को गांव की तरफ रुख करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शायद इस फैसले को लिया है कि वो गांव जाएंगे, जितने भी गांव जाकर वो कैबिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हर गाँव तो जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जितने गाँवों में जा सकेंगे, जितने ग्रामीण परिवेश में जा सकेंगे, अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे, फिर वहाँ चौपाल लगेगी, फिर वहाँ जनता दरबार लगेगा, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलेंगे, तो इससे क्या होगा दीपक, कि जो रूरल उत्तराखंड है, और चूंकि यहाँ तो मैक्सिमम रूरल है, तो रूरल उत्तराखंड के साथ एक सरकार की एक सीधी कनेक्टिविटी बनने की स्थिति रहेगी, अगर बशर्ते इसकी पूरी एक ठोस कार्य योजना बनाकर इसको अमल में लाया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, अब गांव आधे से ज्यादा पूरा उत्तराखंड तो गांव में ही बसता है अजीत जी, और ये सरकार भी अच्छे से जानती है। अब वहाँ पर कैबिनेट किस तरह से पहुँच पाएंगे, कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट की बैठक किस तरीके से होगी, उसका भी हमको इंतजार है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अजीत जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।